स्टूडेंट्स, क्लास 8 के अंदर हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। यानी 15 इयर्स क्या है, ज्यादा देर की है, जो रवि की जो प्रेजेंट एज है, जो रवि की जो भी एज है उससे 15 इयर्स क्या है बाद में, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. यानी उसकी जो present age है उसका 4 गुना करने पर बराबर इक्वल होती है। तो what is Ravi's present age? तो रवि की जो present age है वो कितनी होती है, यानी आपको देखना जो रवि की जो present age है वो कितनी है। अक्ष मानते हैं उसको, अक्ष 15 years, तो 15 ईयर्स आपको राइट करना, तो यहाँ पे x प्लस 15 इक्वल टू कितना होता है, 4 टाइम, यानी 4x। अब आपको सोल्व करना है, जो 4x है इधर x दिया गया, तो आपको ये x प्लस में दे रखा, इक्वल के बाद में जाएगा आपका माइनस में, तो 15 इक्वल टू कितना होगा आपको यहाँ पे 3x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया, इक्वल के बाद में जाएगा आपका डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 15 अपॉन में 3, एक्स इक्वल टू 5 टाइम, यानी इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 5 है। अब सोल्व करके देखते हैं, जैसे 15 इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स की वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे 5, और 15 इयर्स बाद में तो कितना हो जाएगा 20, 4 गुना होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज है 5, तो 4 गुना करेंगे तो कितनी होगी 20। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, यानी जो उसकी प्रेजेंट एज थी एक्स माना हमने, लेकिन 5 ईयर से जैसे अक्स है उसकी प्रेजेंट एज 15 साल बाद में, तो यानी 15 ईयर्स लेटर बाद में, तो कितनी हो जाएगी उसकी, 20 होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स था इसलिए हमें पता नहीं कि कितनी है। तो अक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5, तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 15 20, 4 टाइम यानी 4, अक्स की वैल्यू 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी उसकी जो 4 गुना कितनी है 20 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 2 एंड एड 2 अपॉन में 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7 अपॉन में 12, व्हाट इज द नंबर। यानी कोई नंबर है जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना 5 अपॉन में 2 एंड उसमें ऐड करना 2 अपॉन में 3, तो हमें सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा, -7 अपॉन में 12। तो वो नंबर कौन था जिसने हमको 5 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया है और 2 अपॉन में 3 एड किया है। तो राइट करते हैं, जो नंबर है उसको मानेंगे सबसे पहले अपन x, और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 अपॉन में 2, फिर प्लस करना है आपको 2 अपॉन में 3 इक्वल टू, जो आंसर वो कितना आता है 7 अपॉन में 12। नंबर था आपका x लिया हमने, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन में 2 से, फिर एड किया है 2 अपॉन में 3, जिस प्रकार से क्वेश्चन था उसी प्रकार से हमने राइट किया, तो प्रोडक्ट इक्वल में आंसर क्या आता है -7 अपॉन में 12। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जिस प्रकार से क्वेश्चन था उसी प्रकार से हमने राइट किया है। अब करना है इसको सोल्व, तो सबसे पहले जो प्लस वाला नंबर है इसको आपको क्या करना है, इक्वल के बाद में लेके जाना है, तो इधर बचेगा आपका एक्स मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 इक्वल टू -7 अपॉन में 12, प्लस में दे रखा है, इक्वल के बाद में जाएगा आपका माइनस में 2 अपॉन में 3। अब ये फ्रैक्शन में नंबर दिए गए, तो फ्रैक्शन में नंबर दिए रखा है, तो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो ये आपका सेम रहेगा यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यानी दोनों किसके टेबल में आते हैं, 12 की टेबल में 12 आता है, और 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो एलसीएम क्या हुआ इनका 12 वन जै 12, वन टाइम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वन जै 7 माइनस 3 का इसमें डिवाइडर है 4 टाइम 3 4 जै 12, 4 को मल्टीप्लाई करना 2 से, यानी 4 वन जै 4, 4 टू जै 8, 3 का डिवाइड करना है 12 में, तो 3 4 दस 12, 4 टाइम जा रहा है, जितने टाइम जा रहा है उतने टाइम आपको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टू जा 8 -8 आ गया। अब क्या करना है, -7 और -8 मिला के कितना हो जाएगा आपका -15 अपॉन में 12। यहाँ पे अब जो अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है, इक्वल के बाद में क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी ये तो हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे, नंबर इस प्रकार से राइट करना है -15 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में राइट करना, डिवाइड में राइट कर सकते हो आप, जैसे सेम नंबर है 5 अपॉन में 2, तो 5 अपॉन में 2 राइट करोगे
ये डिवाइड में हो गया, लेकिन इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी नंबर आपका घूम जाएगा, ये चला जाएगा 5 के पास और ये चला जाएगा, सॉरी ये 5 के पास और 5 चला जाएगा 12 के पास मल्टीप्लाई में। तो आप इसको मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हो डायरेक्ट 2 अपॉन में 5। सॉल्व करना है 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है ये माइनस 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, यानी जो लक्ष्मी है वो कैशियर है बैंक के अंदर। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, यानी 50 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज के नोट है। टोटल जो कैश है वो हो गया 4 लाख, तो और इनका जो रेशियो दिया गया है नोट्स का 2:3:5। तो कितने कितने नोट है वो आपको बताना है कि 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 के कितने और 10 के कितने, सभी का जो टोटल है वो 4 लाख होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ हंड्रेड रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज बी 2:3:5। इनका ये रेशियो दे रखा है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको राइट करना है, यानी सोल्व करना है। और यहाँ पे जो दे रखा है, ये जो रेशियो में दे रखा था, आपको इनको एक्स वैल्यू फाइंड करनी, यानी कितना था 2x राइट करेंगे, 3x एंड 5x आपको राइट करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो रेशियो में दे रखा है तो कितने कितने नोट है, तो उनकी वैल्यू आपको माननी है एक्स। तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नोट्स की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप फाइंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग राइट करना आपको, वैल्यू ऑफ 100, वैल्यू ऑफ 50, वैल्यू ऑफ 10। ये दे रखा आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे दिया गया आपको 2x, तो सोल्व करना है 100 मल्टीप्लाई 2x, 50 मल्टीप्लाई 3x, 10 मल्टीप्लाई 5x, तो कितना हो जाएगा 100 को 2 से करेंगे तो 200x, 50 को भी करेंगे 150x और 5 को 10 से करेंगे तो 50x। तीनों को टोटल करने पे दिया गया है, यानी जो नोट्स दे रखे इनको ऐड करने पे कितना होता है टोटल आपका 4 लाख। तो तीनों को ऐड करना है, टू हंड्रेड एक्स प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। इनको x वाली जो भी वैल्यू इनको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 200, 150 और 50 में लाइक हो जाएगा आपका 400x इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख दिया गया है, यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई एक्स में दे रखा, तो ये जो 400 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद में जाएगा आपका डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4 लाख अपॉन में 400। तो यहाँ पे आपका 20 से 20 कट जाएंगे, 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, तो कितना बताएं यहाँ पे 1000, x इक्वल टू 1000, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब आपको राइट करना है नंबर्स ऑफ नोट्स,
रुपीज 100 नंबर्स ऑफ नोट्स 50 नंबर्स ऑफ नोट्स 10। इनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो सॉरी नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया था इनकी जो वैल्यू थी फर्स्ट टाइम हमने कितना रखा था, 2x 3x 5x 2x 3x 5x। अक्स की वैल्यू राइट करनी है यहाँ पे, अक्स की वैल्यू कितनी है 1000। तो 2 को अक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई यानी 1000 से डायरेक्ट राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी 2 अक्स है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो अक्स की वैल्यू कितनी दे रही है 1000। तो 1000 को पूछा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। फिर आपको 3 से करना है तो हो जाएगा 3000। 5 से करना है तो 5000। तो ये नोट्स के नंबर्स है 2000 3000 5000, यानी 100 रुपीज के 2000 नोट्स, 50 रुपीज के 3000 नोट्स और 10 रुपीज के 5000 नोट्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे तो आपका 4 लाख आंसर आएगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा।